अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर्ट शेफ स्पाइस। आज हम बनाएंगे चिकन और वेजी के बड़े बैंगन। ये मैंने दो बैंगन लिए हैं बड़े साइज के, अंदर से मैंने ये गोदर निकाल ली है। आप कोई भी किसी भी बोतल का ढक्कन लेके या वैसे नाइफ की मदद से निकाल सकते हैं। ये सब में से मैंने निकाल के उनको उसको भी बारीक बारीक काट के मैंने रख ली है। ये बैंगन का गोदा है और ये कैरेट है बारीक बारीक कटी हुई, हरी प्याज है, ये चिकन है उबला हुआ, हरा धनिया, ये हरी मिर्चें हैं और ये चार अदद अंडे हैं। तो आइए मिक्स करते हैं। सबसे पहले ये अंडे डालेंगे। सबसे पहले चार अंडे मैंने डाली हैं, इनको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब ये हरा धनिया डालूंगी, चिकन, ये बैंगन का गोदा, हरी प्याज, हरी मिर्चें, कैरेट्स, एक चम्मच नमक डालूंगी, एक चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, मिक्स करेंगे। अंडा आप और भी डाल सकते हैं अगर कम हो तो। मिक्स हम निकाल लिए तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैन में हमने दो चम्मच ऑयल डाल के रख ली है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना। हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। तो मैं ये डालूंगी, सबसे पहले ये रखूंगी। पांच हल्की कर दूंगी। अब ये जो मैंने स्टफ बनाया है उस चम्मच से मैं एक एक चम्मच इसमें डाल दूंगी। दो मिनट हो गए हैं रखे हुए हैं, तो अब हम फ्लिप करेंगे। अब ये बैंगन तैयार हो गए हैं तो बाहर निकालते हैं। देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर आए हैं। ये बहुत मजे के बनते हैं, स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं आप। दोनों साइडों से ये अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं बैंगन, तो आप निकालेंगे बाहर। ये हमारे चिकन वेजी बैंगन बनके तैयार हो गए हैं।
ये आलू बुखारे की चटनी के साथ हमें बहुत पसंद है। आप दूसरी चटनी भी ले सकते हैं, वैसे इसके साथ बहुत मजे के लगते हैं, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।